तो गाइज मान लो कि अगर आपको जो है एक्सबॉक्स गेम पास बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिल जाए, बिल्कुल फ्री, यानी कि कोई भी पैसे आपको देने नहीं है, राइट। तो जी हाँ, ऐसा ही होता है अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप को परचेस करते हो, उसके साथ आपको जो है देखने मिलता है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक मंथ के लिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट को फ्री में क्लेम कर सकते हो अपने गेमिंग लैपटॉप के साथ। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग जो है नया गेमिंग लैपटॉप खरीदते हैं, उसके साथ आपको जो है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट वन मंथ के लिए फ्री में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वीडियो जो है पूरा का पूरा उसी के ऊपर होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको जो है एक मंथ का जो गेम पास रहने वाला है जो कि फ्री में मिलता है, उसको मैं क्लेम करके दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसमें जो है आपको कार्ड की डिटेल डालनी है कि नहीं डालनी है, और क्लेम कहाँ से होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए गाइज हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर मैं जो है आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट फ्री वाला जो है क्लेम करना है अपने गेमिंग लैपटॉप के साथ। तो देखो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे ना तो एक्सबॉक्स की ऐप अगर आपको मिलती है तो उसको क्या करना है, जस्ट आपको अपडेट करना है। अगर एक्सबॉक्स की ऐप नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइब्रेरी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और अगर अपडेट आया हुआ है एक्सबॉक्स की ऐप में तो उसको अपडेट कर लेना है सबसे पहले, और अगर इंस्टॉल नहीं है तो स्टोर में सर्च करना है एक्सबॉक्स ऐप करके, फिर आपको क्या कर लेना है, अपडेट हो जाने के और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एक्सबॉक्स की ऐप ओपन करनी है, उसमें जो है अपना लॉगिन कर लेना है। जो भी अकाउंट में आप एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट को क्लेम करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रखे हैं, तो उसके ऊपर मैं जो है एक्सबॉक्स गेम पास को क्लेम करने वाला हूँ। ओके, तो क्लेम करने के लिए ना आपको एक तो नोटिफिकेशन आती है, और नोटिफिकेशन मान लो कि अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन अगर आपको मिलती भी है तो हो सकता है कि आपने इग्नोर कर दिया हो, यानी कि आपने जो है उस नोटिफिकेशन को क्लोज कर दिया हो बाय मिस्टेक, और फिर आपको जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन ही शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो है हमें लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से एक बार माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको मिलने वाला है फ्री वाला एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट। तो देखो यहाँ पर जो है मैं ओपन कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। तो स्टोर जैसे ही ओपन होता है तो हमें फिर से जो है कहाँ पर आना है, लाइब्रेरी में आ जाना है। लाइब्रेरी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड में, देखो आप, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है इंक्लूड विद डिवाइस। ओके, तो यहाँ पर आप देख सको जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो जो अपना फ्री का जो गेम पास अल्टीमेट था वो यहाँ पर शो कर रहा है बहुत ही इजीली, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको एक मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रही है एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट की। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा एक और भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये आप ऑफर जो है उसको आप क्लेम कर सकते हो जब से आपने लैपटॉप को ऑन किया उसके 1.5 साल तक, यानी कि आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, 2024 दिसंबर 2024 तक मैं जो है इसको क्लेम कर सकता हूँ, और मैंने ये लैपटॉप लिया है कुछ 1 से 2 महीने पहले, राइट। तो देखो यहाँ पर जो है मैं जैसे ही क्लेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है अल्टीमेट वन मंथ, और उसके नीचे प्राइस भी लिखा है 499 प्लस टैक्स, बट वो जो है वो है नेक्स्ट मंथ के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कर देना है, देखो एक चीज़ तो है कि आपको जो है कार्ड की डिटेल तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, इंटरनेशनल एनेबल करके आप अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पर डाल दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपने कार्ड की सारी डिटेल डाल देता हूँ। तो देखो जैसे ही हम कार्ड की सारी डिटेल डाल देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना कार्ड को वेरीफाई कीजिए बैंक वेबसाइट से। तो फटाफट से मैं जो है OTP के थ्रू अपना कार्ड भी वेरीफाई करवा लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है इसमें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ इस वाले ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड सेट, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। फिर से जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और हम क्या करेंगे अभी क्लेम के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो कि परचेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे ही हम परचेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टीमेट वन मंथ लिखा हुआ आ रहा है, और सक्सेस भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा जो फ्री का गेम पास हमें मिल रहा था गेमिंग लैपटॉप के साथ उसको हमने सक्सेसफुली क्लेम करवा लिया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं बैक करता हूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंक्लूड विद डिवाइस था वो अब चला गया है, यानी कि वो ऑफर जो है हमने ऑलरेडी क्लेम कर ली है यहाँ पर।
अभी मैं फटाफट से इस वाले टैब को क्लोज कर देता हूँ और एक्सबुक्स की ऐप पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि शो कर रहा है कि नहीं हो रहा है गेम पास। तो देखो यहाँ पर जो है शो नहीं कर रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से एक बार ओपन करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो है फिर से एक्सबॉक्स की ऐप ओपन हो गई है और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो पहले जो है अल्टीमेट लिखा हुआ नहीं आ रहा था, मेरे यूज़र जो प्रोफाइल है वहाँ पर, अभी आप देख सकते हो अल्टीमेट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको जो है एक मंथ की वैलिडिटी मिल जाती है और आपको वहाँ पर मिल जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट सक्सेसफुली क्लेम हो चुका है, यानी कि आपके पास एक्सबॉक्स गेम पास अब अल्टीमेट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गाइस जो गेम पास अल्टीमेट है उसको आप जो है कंसोल पे भी यूज़ कर सकते हो, पीसी पे भी, लैपटॉप पे भी, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप जो है इसको अपने एंड्रॉयड या फिर आईओएस डिवाइस में क्लाउड गेमिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर है एक्सबॉक्स गेम पास का। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक गेम ओपन किया है, उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन भी अभी आ रहा है क्योंकि हमने जो है एक्सबॉक्स गेम पास को सक्सेसफुली रिडीम कर लिए। देखो इसको अभी मैं जो है बंद कर देता हूँ और अभी जो है मैंने आपको क्लेम करके तो बता दिया, लेकिन अभी जो है हमें क्या करना है कि नेक्स्ट मंथ में हमारा चार्ज ना कटे इसके लिए हमें रिकरिंग बिलिंग को ऑफ करना है। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट ऑप्शन या फिर आप बोल सकते हो पेमेंट मेथड, उसके ऊपर जो है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है क्लिक करोगे ना तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, कौन कौन से परचेस किए हैं सब कुछ। देखो उसके बाद हमें सर्विस एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपने देखो जैसे ही रिसेंटली मैंने जो है क्लेम किया था एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट तो वहाँ उसकी डिटेल शो कर रही है। तो हमें क्या करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर रिन्यू लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है तो और भी डिटेल हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिलिंग हिस्ट्री है, सर्विस है, फिर आप देख सकते हो टर्न ऑफ ऑटो रिन्यू भी लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो और एक बार लिखा हुआ आ रहा है टर्न ऑफ ऑटो रिन्यू, यहाँ पर हमें सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारा जो रिकरिंग बिलिंग था वो ऑफ हो जाएगा और फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है नेक्स्ट मंथ में कोई भी चार्ज नहीं कटेगा जब आपका फ्री का गेम पास अल्टीमेट एक्सपायर होगा। ओके, फिर उसके बाद जो है आप अगर चाहो तो उसको खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और बाद में आप अगर खरीदोगे तो 499 प्लस टैक्स लगेगा, यानी कि अप्रोक्स मैं आपको बता दूं कि 590 रुपीज़ का आपको जो है गेम पास देखने के लिए मिल जाएगा। और पीसी गेम पास की ओर एक मैं बात करूं तो काफ़ी सारे गेम्स आपको देखने मिल जाते हैं जो कि कंसोल पे भी नहीं देखने मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी एक डील होती है। अगर आपके पास भी एक गेमिंग लैपटॉप है या फिर सोच रहे हो तो आपको जो है फ्री में एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो गाइस यही था इस वीडियो में और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए।